देख रहे हैं एस एन सेवन न्यूज़, मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ के जो ब्रांडेड जिम हैं, वहां पर जाकर हम आपको डीलर से मिलवा रहे हैं, उनके जो मैनेजर हैं उनसे हम आपको सीधे बात करा रहे हैं कि किस तरह से जो गोरख धंधा फैला रखा है लोगों ने जिम के नाम पर, सप्लीमेंट के नाम पर, स्वास्थ्य से खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है, जहाँ लगातार छापेमारी हो रही है, पकड़ धकड़ भी उनकी हो रही है, लेकिन वहाँ पर जो है जो बंदा सप्लीमेंट लेता है उसको क्या होता है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, किडनी ख़राब हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हो जाती हैं, जिसको चलते वो फिर उसकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसी के चलते आज हम पहुँचे ब्रांडेड जिम है, स्पोर्ट फिट यहाँ पर है मेरठ में, और इसको जो यहाँ के ब्रांच के ओनर हैं देवेश कामरा जी हैं, हमारे साथ यहाँ के मैनेजर विवेक सोनी जी मौजूद हैं। तो हम मैनेजर से जानेंगे किस तरह से यहाँ पर वो अपने क्वालिटीज़ किस तरह से दे रहे हैं अपने जो बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पर आते हैं, और क्या सप्लीमेंट के बारे में उनसे जानेंगे, किस तरह से वो ऑथेंटिकेट करें कि सप्लीमेंट सही है, असली है या नकली है। हेलो, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा जो ये हमारा जिम है, ये महेंद्र सिंह धोनी का जिम है, इसकी हमने फ्रेंचाइजी ली हुई है, और यहाँ पे ऑल ब्रांडेड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो हम FSSAI से अप्रूव्ड होते हैं तभी प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा ऑथराइज डीलर से मंगवाए जाते हैं, अगर नहीं हम प्रोवाइड करवा पाते तो हम उनका एड्रेस प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा हमारा जो जिम है इसमें ऑल सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, कोई भी अनसर्टिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड ट्रेनर्स को नॉलेज ज़्यादा होती है, जो लोकल ट्रेनर्स होते हैं जिनको जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो जिन्हें सप्लीमेंट की नॉलेज नहीं होती, फिटनेस की नॉलेज नहीं होती, वो लोकल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से लोगों की किडनी पे प्रेशर पड़ता है और उन्हें दिक्कतें होती हैं, हाँ और भी दिक्कतें हो जाती हैं। अगर आप जेन्युइन सप्लीमेंट लेते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, ट्रेनर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती, क्योंकि जो इंडिया में सप्लीमेंट इम्पोर्ट हो रहा है वो ऑथराइज्ड होता है, FSSAI से अप्रूव्ड होता है, उसके बाद ही हम उसे प्रोवाइड करा पाते हैं। और जितने भी ब्रांडेड जिम हैं इनमें कोई भी लोकल सप्लीमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता, क्योंकि यहाँ पे अपनी सर्विस पे और अपने नाम पे पूरा ध्यान दिया जाता है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ट्रेनर सर्टिफाइड हैं वो सब अच्छे से ट्रेन करते हैं, अच्छा सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं, अगर प्रोवाइड नहीं भी कराते तो अच्छा सप्लीमेंट बताते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों की दिनचर्या इस तरीके से होती है कि हम लोग सब नेचुरल डाइट में इतना नहीं ले पाते, बंदा सुबह नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है, फिर 8 घंटे बाद खाना खाता है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिक्वायरमेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ली जाती हैं। आजकल आप देख भी रहे होंगे डॉक्टर भी सप्लीमेंट प्रोवाइड करा मतलब सप्लीमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आदमी टायर्ड हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है, हम लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग पे आजकल बहुत धंधा चल रहा है, हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, ऑथराइज डीलर्स के थ्रू सप्लीमेंट मंगाया जाता है, जो भी एरिया का या स्टेट का ऑथराइज डीलर होता है उनके थ्रू ही हम सप्लीमेंट मंगाते हैं, जेन्युइन बिल मिलता है हमें उसके साथ, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसलिए हाँ, अगर आप लोकल जिम में जाते हैं, लोकल सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, अनसर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो आपको सप्लीमेंट लोकल डब्बा प्रोवाइड कराते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में बताते हैं, तो वो चीज़ें हार्मफुल होती ही हैं, जो कहीं ना कहीं किडनी पर, लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर सप्लीमेंट यूज़ भी कर रहे हैं, पहले तो कोशिश करें कि नेचुरली वर्कआउट करें, नेचुरल डाइट लें, एग्स, चिकन, स्प्राउट्स, अपना दाल, पनीर, दूध, मट्ठा, इन चीज़ों का सेवन करें, और अगर आपको सप्लीमेंट सजेस्ट किया जाता है आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने सर्टिफाइड ट्रेनर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट यूज़ करें और लोकल सप्लीमेंट से बचें। लोकल सप्लीमेंट्स में पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं, कितनी दवाइयाँ मिली हुई हैं कितनी नहीं, तो बेटर यही है कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट यूज़ करें, और जिससे भी आप सप्लीमेंट परचेज करें उससे अपना बिल लें, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है क्या नहीं उसके अंदर। बड़ा सवाल बनता है, वही बनता है, बॉयज़ में क्रेज़ तो है बॉडी बनाने का, लेकिन उनका क्रेज़ ये है कि जल्दी बॉडी बनानी है, वहाँ पर वो फंस जाते हैं, वो धंधे में मतलब बच जाते हैं, वो जल्दी के चक्कर में नहीं, ऐसा इसलिए है कि हम लोगों का कल्चर ऐसा है कि बचपन से ही प्रेशर दिया जाता है कि पढ़ाई करो, फिर घर बनाना है, शादी करनी है, गाड़ी लेनी है, तो टाइम की कमी सभी के पास है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनर कैसा है, इसलिए मैंने कहा कि सर्टिफाइड ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग लें, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, जेन्युइनली गाइड करेगा, जेन्युइन सप्लीमेंट बताएगा, और सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट बहुत बाद में आता है, पहले आपको नेचुरल ग्रोथ करनी होती है, क्योंकि आज छोटी एज में ऑलरेडी अंधे में बहुत एनर्जी होती है, तो पहले जनरल मतलब नेचुरल ग्रोथ करो, उसके बाद अपना सप्लीमेंट पाना चाहिए, तो ये मैटर तभी आता है जब आप जल्दी होती है तो बंदे खुद आके बोलते हैं कि हमें जल्दी जल्दी बॉडी बनानी है, लेकिन ये मैटर डिपेंड करता है आपके ट्रेनर पे कि वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है। तो एक सवाल यही बनता है कि यूथ कैसे चूज करें कि अच्छा जिम क्या है, जहाँ पर वो सर्टिफाइड ट्रेनर हो, अच्छा जिम हो, क्योंकि गली मोहल्ले में तो जिम खुल गई है, बाढ़ सी आ गई है, देखिए
गली मोहल्ले के जिम तो गली मोहल्ले जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर आपको देखिए, हम लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत से लोग लोकल मार्केट में जाते हैं, बहुत से लोग ब्रांडेड में जाते हैं, ब्रांडेड ब्रांडेड ही होता है, ठीक है ना। एक टी शर्ट पे नाइक का निशान लगा होता है, वो पैंट में लोकल मार्केट में 100-200 रुपए की मिल जाती है, लेकिन शोरूम पे वो 3000 की होती है, और 3000 वाली में क्वालिटी भी होती है, चलती भी कई साल है। इसी हिसाब से आप जिम भी उसी हिसाब से चूज़ करें। जो ब्रांडेड होते हैं उनमें सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, और वहाँ पर कोई भी सर्टिफाइड ट्रेनर आपका पूरा ध्यान रखता है, जिससे आपको इंजरी भी नहीं होती और कोई हार्म भी नहीं कर पाता आपकी बॉडी को। दूसरा ये कि यहाँ पे कोई लालच नहीं होता कि हम 200 रुपए का डब्बा बेचें या कुछ भी, हम अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, इसीलिए हम अच्छे सेटअप में काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो हमारे साथ आपने देखा कि सोनी जी बने हुए थे, स्पोर्ट्स फिट के जो मैनेजर हैं वो बने हुए थे, उनका बयान आ चुका है साफ। उनका कहना है कि उन्होंने भी कहा कि सप्लीमेंट लेना चाहिए, वो खुद भी ले रहे हैं, लेकिन वो एक मतलब रजिस्टर्ड हो, FSCCI से सर्टिफाइड हो जी। और इसके अलावा आपको बता दें कि वैसे जनरल डाइट पे भी ध्यान दें, लेकिन वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छी जगह जाएं, अच्छे ब्रांडेड जिम में जाएं और वहाँ पर एक्सरसाइज करें जाकर, क्योंकि वहाँ पर सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं और उनके अगर अंडर में आप एक्सरसाइज करेंगे तो किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ISN7 न्यूज़। एस्पोर्ट की जो खतरा होता है, जो परेशानी होती है उससे होती है, स्टेरॉइड का कोई तरीका ही नहीं होता। स्टेरॉइड तो बैंड चीज़ है, ये हमें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। मैंने जैसे पहले बोला कि नेचुरल ग्रोथ पे ही ध्यान देना चाहिए, जितनी आप नेचुरल ग्रोथ कर सकते हैं वो नेचुरल डाइट से ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी या समय के अनुसार आप डाइट नहीं ले पा रहे तो ही सप्लीमेंट पर आना चाहिए, लेकिन स्टेरॉइड का सेवन नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड हमारी बॉडी पे लीवर, किडनी और हार्ट सीधा इफेक्ट डालते हैं, जिससे आदमी को हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि स्टेरॉइड से बचें और स्टेरॉइड का सेवन ना करें, और ऐसे ट्रेनर से भी बचें जो आपको स्टेरॉइड की सलाह देता है, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए आपकी बॉडी बनवा सकता है, लेकिन जैसे आप स्टेरॉइड का सेवन बंद करते हैं आप वापस से उसी कंडीशन में आ जाते हैं, लेकिन आपका लीवर किडनी प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड लेने के बाद बॉडी के ऑर्गन्स हमारे डबल स्पीड से काम करने लगते हैं, जिससे उनकी स्पीड जिससे हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मेरी यही आपसे लोगों से सबसे सलाह यही है कि नेचुरल डाइट और रेगुलर वर्कआउट करें, नेचुरल डाइट लें, सप्लीमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो डॉक्टर और अपने सर्टिफाइड ट्रेनर की सलाह से ही यूज़ करें, और कोशिश करें कि अच्छे स्टोर ऑथराइज डीलर से ही सप्लीमेंट खरीदें। धन्यवाद। मुनी मैनेजर एट स्पोर्ट्स फिट जिम मेरठ, इसके ओनर हैं देवेश कामरा। मैं अपनी तरफ से, अपने ओनर की तरफ से, जिम के ओनर की तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, और एक संदेश मेरी तरफ से, फिट रहें, वर्कआउट करें, हेल्दी खाएँ, अच्छे से रहें और नकली सप्लीमेंट से बचें। थैंक यू।